नमस्कार, मैं हूं दिशा सेठी और आप देख रहे हैं पब्लिक दिलासा का स्पेशल बुलेटिन। रखड़ पुनिया मेले पर भी पड़ा कोरोना का असर। बाबा बकाला में लगने वाला ऐतिहासिक रखड़ पुनिया मेला इस बार कोरोना की भेंट चढ़ गया। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक ये मेला आयोजित किया जाना था, इस बार नहीं मनाया जाएगा ये मेला। नीतीश कुमार का इस्तीफा नामंजूर। इससे पहले भी दो बार सीएम उनके द्वारा दिए गए इस्तीफे को नामंजूर कर चुके हैं। पटियाला मिनी सचिवालय रहेगा 2 दिन बंद। कोरोना के मद्देनजर पटियाला मिनी सचिवालय आज और कल 2 दिन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं, विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में की थी याचिका दायर। ढींसा द्वारा बनाई गई नई पार्टी एसजीपीसी चुनाव नहीं लड़ेगी, जबकि पार्टी बनाते समय ढींसा एसजीपीसी के चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे। 267 पावन स्वरूप मामले में जांच शुरू। जांच करने वाली कमेटी 1 महीने में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को देगी रिपोर्ट। बैबल कलां गोलीकांड में आरोपी पंधेर 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर। गुरदीप सिंह पंधेर तत्कालीन एसएचओ थे। रंजीत सिंह तलवंडी ढींसा की पार्टी में शामिल। अकाली दल के प्रति रोष जताते हुए तलवंडी ने लिया ये फैसला। कोरोना के चलते हरियाली तीज भी रही फीकी, बाजारों में नहीं आई रौनक नजर। बटाला के अकाली विधायक लोधी नंगल और उनके पुत्र कोरोना पॉजिटिव, दोनों अमृतसर के प्राइवेट अस्पताल में उपचाराधीन। अमृतसर के कचहरी परिसर में अवैध पार्किंग के खिलाफ आपने किया प्रदर्शन। विजिलेंस पुलिस को जांच की मांग करते दिया ज्ञापन। तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर रोकने के विरोध में युवक ने किया हमला। सुंदरनगर के इलाका निवासियों ने तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले युवक को समझाने का किया था प्रयास। भारत और इजराइल अब मिलकर लड़ेंगे कोरोना से। इस संबंध में दोनों देशों में समझौता हुआ है। भारत में इजराइल के एम्बेसडर ने ट्वीट के माध्यम से सूचना दी है कि इजराइल से डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें भारत में आएंगी। ये टीमें भारत के साथ संयुक्त रूप से काम करेंगी। आज 23 जुलाई को अमृतसर में आए 36 कोरोना संक्रमित केस, इनमें 25 नए संक्रमित केस हैं और 11 केस पहले से संक्रमित मरीजों के संपर्क से आए हैं। 1 मरीज की आज कोरोना के चलते अमृतसर में मृत्यु हुई है। खबरों का ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए पब्लिक दिलासा चैनल। नमस्कार।